अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर फिरोज़ खान को लेकर, फिरोज़ खान जो कि कांग्रेस के सीनियर कायद हैं और इस बार शहर हैदराबाद से एमपीबी कांटेस्ट किए हैं। फिरोज़ खान को आज हाउस अरेस्ट किया गया। हाउस अरेस्ट करने की वजूहत क्या है हम आपको बताते हैं। इंटरमीडिएट के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, लगभग 3 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स फेल किए गए इस बार। क्या वजूहत है कि 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं इंटरमीडिएट में, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने खुदकुशी भी कर ली। जबकि हमारे सीएम साहब के फर्जन केटीआर साहब एजुकेशन मिनिस्टर है, सीएम साहब इस पर सख्ती से एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जबकि सीएम साहब ने यहां तक के कह दिया कि इस बार रिकरेक्शन की कोई फीस नहीं होगी, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स रिकरेक्शन को डाल सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन चेक किया गया तो 100 रुपीज चार्ज बता रहे हैं रिकरेक्शन के। खैर, बहरहाल क्या वजूहत है इस बार इतने सारे लड़के फेल किए गए इंटरमीडिएट के, फिरोज खान का क्या कहना है, आइए हम आपको दिखाते हैं तफसील। था ऑल पार्टी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, जितने भी मेन लीडर्स हैं, तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट कर चुके हैं। और रही बात इंटर का जो रिजल्ट है, एक बड़ा ब्लंडर है। ये तमाम ऑफिसर्स आके बोल रहे हैं कि मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। अरे साहब, ये गलती के अंदर 20 स्टूडेंट मर चुके हैं आज तक। और एक बात नहीं समझ में आ रही मेरे, केसीआर साहब आके जिम्मेदारी क्यों नहीं ले, और केसीआर साहब आके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ साहब, जो भी जिम्मेदार है मैं उसको सजा दूंगा। आप एक 3 मेंबर कमिटी डाले, तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेस के हेड को वेंकटेश्वर राव, उन्हें एक रिपोर्ट देते और उसके अंदर बोलते कि इसमें सुपरविजन का मसला था, इसमें ग्लोबल अरीना का सॉफ्टवेयर की गलती थी, इंटरमीडिएट बोर्ड वाले रीचेकिंग सीधा नहीं करे, गलती हो गई। अरे भाई, जब गलती हो गई तो अब तक केस क्यों ने बुक हुआ? केस बुक होना जरूरी है। 304 पार्ट बी, कल्पेबल होमसाइड, क्योंकि आप लोग गलती करे बच्चे मर गए। अब तक एफआईआर क्यों नहीं इशू हुआ? और ये जो ग्लोबल अरीना है जिसका एमडी राजू, ये केटी रामाराव का दोस्त है, 2018 में ये अग्रीमेंट हुआ। पहली बात, अग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? अगर से हुआ तो अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट में मैंडेट क्या है, क्या लिखे आप लोग? और जब आप बोल रहे हैं ग्लोबल अरीना से गलती हुई, तो अब तक आप उसको जेल को क्यों नहीं भेजा? नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, केसीआर साहब बच्चों के पेरेंट्स से अब तक क्यों नहीं, बच्चों का कॉम्पनसेशन मैं इतने देता हूं? अरे बच्चों का तो कोई रेडिश नहीं रहता। आप 25 लाख 50 लाख 50 करोड़ भी दिए तो कम रहता। मगर आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे केसीआर साहब? और आप केस क्यों करने बुक रहे, डर रहे क्यों? जगदीश्वर रेड्डी तो मिनिस्टर फरवरी में बना 2019, और ये जो डील सेंड हुई ग्लोबल अरीना से वो 2018। सारी दुनिया को मालूम है उन्हें आपके बेटे केटीआर का दोस्त है। इसके लिए आप पनिशमेंट नहीं दे रहे। आपके घर में कोई बच्चा मर जाता था, अरे ये बच्चे मरे बोल के आपको तेलंगाना दी ना सोनिया गांधी, आप उसका फायदा उठा लिए। और तेलंगाना बने बाद आप क्या बात बोले, आप बंगारू तेलंगाना बनाते, वो तो गोल्डन तेलंगाना, सोने का तेलंगाना। आज कह का तेलंगाना बन रहा, बली का तेलंगाना, कुर्बानियों का तेलंगाना। अरे जू नहीं चढ़ रही आपके कान के ऊपर, एक तानेशाह बैठ जाता नहीं, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
आप बैठे हुए, आप मुख्यमंत्री है, आप तेलंगाना के वालिद साहब है, आप बाबा है तेलंगाना के, आपकी औलाद मर जा रही, आप आना था। हाँ, जिससे भी गलती हुई मैं उसको सजा दे दूंगा, मेरा बेटा भी गलती करे तो मैं सजा दे दूंगा, वो इमेज है आपका, तेलंगाना के हीरो है आप, मगर खाली बेटे की मोहब्बत में आप खामोश बैठते जा रहे हैं। आप इमीडिएटली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और जो भी कसूरवार है आप इमीडिएटली उनको केस रजिस्टर करिए, उनको जेलों को भेजाइए, आप एक हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी करिए, नहीं तो आप एक सीबीआई को बुलाइए। अरे भाई, मैं कोई भी इंक्वायरी करे तो स्टेट की इंक्वायरी, फिर मेरे दामन के ऊपर धब्बा लगता, चलिए मैं सीबीआई को बुलाता हूं, देखो मेरा तेलंगाना इंपॉर्टेंट है। जो आप बड़े बड़े बातें करते केसीआर साहब, आज अमल का टाइम आ गया, बकवे का टाइम नहीं, बहुत अच्छा बात करते पूरी पब्लिक को मालूम, आज बोलती कहीं को बंद हो गई आपकी, क्यों आपका बेटा है बोल के इसके अंदर, और कांग्रेस पार्टी चैलेंज कर रही, ये जो कुछ भी हुआ बच्चों के साथ ये बहुत बुरा हुआ, और इसके पीछे ग्लोबल अरीना है, राजू है, और राजू के सर के ऊपर हाथ रख रहा मास्टरमाइंड आपका बेटा केटीआर है, और जब तक ये बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, फिरोज खान और कांग्रेस पार्टी, हम सोएंगे नहीं और आपको सोएंगे सोने देंगे नहीं। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं, नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर, जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तियाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891